देखो, आज हम एक नया टॉपिक कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे जो बेस्ट न्यूमेरिकल्स हैं वो करने में प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा सुनने में आया है कि जब भी हम पेपर की तैयारी करते हैं और उसकी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे बेस्ट, तो हमें प्रॉब्लम आती है। उन प्रॉब्लम्स को दूर करना है। देखो, अकॉर्डिंग टू मी आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। वो क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी इलेक्ट्रोड है उसका स्टैंडर्ड क्या जी? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव होता है किसका? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। वाह सर, क्या कमाल की बात बताई है। ठीक है, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूं कि इनके लिए ये चीजें आप ध्यान में रखोगे कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो माइनस होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया, आपको रिडक्शन में कन्वर्ट करना है, तो उसके आगे माइनस लगा देंगे। जो भी चेंज करना हो, इस माइनस वाले ट्रिक को भूलना नहीं है। ये सिर्फ किसके केस में होती है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के केस में। कंसेंट्रेशन चेंज हो जाएगी, मतलब सिंपल रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे तो ये रूल एप्लीकेबल है नहीं है, फिर नरनेस्ट इक्वेशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब दूसरी बात, सर मैं पहचानूं कैसे, ठीक है, कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है इलेक्ट्रोड का या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड नहीं है? देखो, किसी भी सेल को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वो स्टैंडर्ड है तो उसके ऊपर ई नोट लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा? ई नोट। अगर रिडक्शन है, क्या है? रिडक्शन है, तो यहां पे ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, जेड एन टू पॉजिटिव टू जेड एन। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? या आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा ई नोट ऑफ Ag पॉजिटिव टू Ag, ठीक है, या आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा ई नोट ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब आपने जिस इलेक्ट्रोड को आपने रिप्रेजेंट कर रखा है उसकी आप पहचान कर लोगे, ठीक है, कि वो कैसे लिखा हुआ है। अगर ऐसे लिखा हुआ है ना, तो डेफिनेट सी बात है वो आपका क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है। उल्टा सर, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना हो तो ये इक्वल मैं इधर लगा रहा हूं, आपने ढंग से लगाना है, ठीक है। तो अगर आप इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखोगे स्टैंडर्ड, तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्स आपको ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है। जब आप इसको किस में लिखोगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म में लिखोगे, तो ये आपको ऐसे भी किसी भी इलेक्ट्रोड का लिखा हुआ मिल सकता है। अगर ऐसी कंडीशन में आपको कोई वैल्यू दी हुई हो, ठीक है, तो आप क्या कर दोगे? उसको रिवर्स कर दोगे। क्या कर दोगे? रिवर्स। तो ये ऊपर वाला जो है, ये सब क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और जो सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल, ये जो ऊपर वाले ये सारे क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल, और इन सब का नेगेटिव क्या है? ये नीचे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड की निशानी है कि इसके ऊपर ई नोट लिखा हुआ मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं आएगी। सेकंड जो आपको प्रॉब्लम दी हुई मिलती है, वो प्रॉब्लम आपको क्या दी हुई मिलेगी जरा देखना। वो आपको ये दिया हुआ मिलेगा कि आपको एक रिएक्शन दे देंगे, ठीक है। रिएक्शन क्या दे देंगे? कि जिंक है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? कॉपर सल्फेट के साथ। किस में जा रहा है? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर में जा रहा है। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ऐसे आपको रिएक्शन दे देंगे। इसके आगे यहाँ पे एक्वस लिखा हुआ मिलेगा, इसके आगे यहाँ पे एक्वस और यहाँ पे सॉलिड लिखा हुआ मिलेगा, डजंट मैटर। ऐसे आपको एक रिएक्शन दे देंगे, फिर आपको कहेंगे पहला काम, ठीक है, क्या? कि रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंट करो। कैसे करोगे जी? ठीक है, आपने ध्यान रखना है, वो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपने एसी लेना है। क्या लेना है? एसी, अल्टरनेट करंट ले लो और चेक आपके जो एयर कंडीशनर लगा हुआ है वो ले लो, ठीक है। और एसी कहाँ पे लेना है आपने? लोन पे लेना है जी। कहाँ पे लेना है? लोन पे। अब इस बात को समझने वाली बात है ये, आपने एसी लेना है और वो भी कहाँ पे लेना है? लोन पे, ठीक है। अब लोन पे एसी हम कैसे लेंगे? देखो, एसी का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एनोड, बीच में लगा दो साल्ट ब्रिज और दूसरी साइड क्या बना दो? कैथोड। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे फिर देखो, इस लोन का क्या मतलब है? लोन का मतलब है सर लेफ्ट, ठीक है। पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन, ठीक है।
इसको हम कहेंगे क्या एनोड, और एन का मतलब क्या होगा? अगर कोई इस पे चार्ज पूछ ले तो कौन सा चार्ज होगा जी? नेगेटिव चार्ज होगा। दोबारा से देखो, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा, और वो क्या बनेगा? उस पे चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव होगा। बोलो, बात क्लेरिफाई हुई कि नहीं हुई? ठीक है, अब लेफ्ट में जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको लिख दो। ठीक है, ऑक्सीडेशन की निशानी आपको बता रखी है। ठीक है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़े, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे प्लस टू हो रही है। क्या हो रही है? जीरो से प्लस टू। तो लिखो, जिंक किस में गया? जिंक टू पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन हो गया ना। सीधी सी बात है सर, इसका एनोड बनेगा, बना दो, साल्ट ब्रिज लगाओ। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, कैथोड को लिखो। अब ऑक्सीडेशन यहां पे हो गया तो दूसरी साइड उसका क्या होगा? रिडक्शन। प्लस टू है, जीरो में जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा? कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस से किस में जा रही है? कॉपर में। किस में जा रहा है? कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस से कॉपर में जा रहा है। ये हो गई आपकी क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस तरीके से आप किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को उसका केमिकल चेंज देखकर आप उसको क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो। बोलो, बात क्लेरिफाई हुई कि नहीं हुई? ठीक है, मतलब कोई भी आपको रिएक्शन दे दे, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट देख के अंदाजा लगा लेंगे। उसके बाद में मेरे वाला आयुर्वेदिक फार्मूला लगा देना आपने कि एसी लेना आपने कहां पे? लोन पे। एसी में पहले एनोड आएगा, बाद में कैथोड आएगा, एनोड पे हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ये लोन जो है पूरी हमें, जो हमारा इलेक्ट्रोड बना है उसके बारे में बता देगा। कैसे? कि लेफ्ट साइड में है वो एनोड है, उस पर ऑक्सीडेशन होता है, और उस पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो एसी लोन पे ले लिया आपने, क्लेरिफाई होगी बात, सेल को रिप्रेजेंट करना सीख गए। कई बार एक नंबर का सवाल यहां से पूछ ही लेते हैं। ठीक है, कि बताइए ये रिएक्शन है, इसका सेल रिप्रेजेंट हमें कैसे करेंगे? तो ये तरीका है, इस तरीके से आप इसका सेल क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगली जो इसमें आएगी, प्रॉब्लम नंबर दो। इसमें जो प्रॉब्लम नंबर दो आपसे पूछेंगे वो क्या होगी? ठीक है, आपको जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, क्या है जी? जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसका स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे। स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालने का तरीका ये होता है, आपने रट्टा लगाना है इसको। ठीक है, ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। ठीक है, अब सर जी आपने इसको कैसे याद रखा हुआ है? मैं ऑनेस्टली बता देता हूं मैं कैसे याद रखता हूं। मुझे पता है सी तीसरे नंबर पे आता है, एनोड पहले नंबर पे आता है, तो तीन में से एक घटाया जा सकता है। ठीक है, तो तीन में से अगर हम एक घटाएंगे, ठीक है, तभी ये बात क्या होगी हमारी? औचित्य वाली होगी, अदरवाइज इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए कैथोड माइनस एनोड रखेंगे। लेकिन मैं यहां पे स्टार लगा देता हूं, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई क्या है? कि आप जो कैथोड ले रहे हो ना, जो आप कैथोड ले रहे हो उसका भी आप रिडक्शन पोटेंशियल लोगे। क्या लोगे जी? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लोगे जी, स्टैंडर्ड की बात चल रही है। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लोगे। और जो एनोड है, एनोड में भी आप क्या लोगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लोगे जी। क्या लोगे जी? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बोलो, बात क्लेरिफाई हुई कि नहीं हुई? ठीक है, आगे देखो, दोबारा से देखो, तीन में से एक घटा दिया, बात दम वाली हो गई। लेकिन ये सिर्फ कंडीशन कब है? जब आप दोनों इलेक्ट्रोडों का रिडक्शन पोटेंशियल लेते हो। अगर रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दे रखा तो आप उसके आगे माइनस का निशान लगाकर रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, ये मैंने आते ही सबसे पहले कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो माइनस होता है उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। आपको ये मैंने तरीका भी बताया था कि इस तरीके से लिखा होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, इस तरीके से लिखा होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। बोलो, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, अब आपके पास उस सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? स्टैंडर्ड ईएमएफ।
ठीक है, कई बार सिंपल ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए कहेगा वो आपको, सिंपल ईएमएफ स्टैंडर्ड वर्ड यूज नहीं करेगा, तो आप डेफिनेटली सीधा सीधा दिमाग में आइडिया लगा लेना कि इसने स्टैंडर्ड नहीं कहा, ईएमएफ कहा है, तो कहीं ना कहीं नर्नेस्ट इक्वेशन को यूज करवाएगा। ठीक है, वो बाद की बात है, आपको अगले टॉपिक में क्लैरिफाई करूंगा। ठीक है, पहली प्रॉब्लम यह थी रिप्रेजेंट करना, दूसरी प्रॉब्लम यह थी स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना, तीसरी एक प्रॉब्लम आपको और मिलेगी जब अभी आप न्यूमेरिकल सोल्व करने बैठोगे, आपको एक तीसरी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, वो क्या होगी जरा देखो। तीसरी प्रॉब्लम ये दे देंगे आपको, एक रिएक्शन लिख के दे देंगे, ठीक है, वो रिएक्शन क्या होगी मैं एक बार अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, आप अपने बुक में देख लेना, न्यूमेरिकल मिल जाएंगे आपको। क्या मिलेगा कि आपको एक ये रिएक्शन दे देंगे, ठीक है, और आपको कहेंगे कि बताओ ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है, आपको पता है बड़ी कॉमन रिएक्शन है ये, ठीक है, ये होती है, लेकिन अब मैं आपको कोई और रिएक्शन दे देता हूँ, फिर कहता हूँ कि ये वाली रिएक्शन होगी कि नहीं आप मुझे बताओ, तो आपको मतलब ये पूछ लेंगे कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, ठीक है, ये रिएक्शन इसके अंदर होगी या नहीं होगी। तो इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, जो रिएक्शन दे रखी हो ना, आपने अपने मन ही मन में मान लेना है कि ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, E नोट ऑफ सेल कैलकुलेट करोगे, कौन सा फार्मूला लगा के, E नोट ऑफ कैथोड माइनस E नोट ऑफ एनोड लगा के। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अगर E नोट ऑफ सेल की वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव, क्या आ जाती है, E नोट ऑफ सेल की वैल्यू क्या आ जाती है पॉजिटिव, तो ये रिएक्शन होगी। अगर E नोट ऑफ सेल की वैल्यू आ जाए क्या नेगेटिव, ठीक है, तो मैं यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ खतरे का, ये रिएक्शन नहीं होगी। कहने का मतलब क्या है, जो भी रिएक्शन आपकी दे रखी हो उसके साथ छेड़खानी मत करो, सीधा उसका ई नोट ऑफ सेल निकालो, ठीक है, कैथोड माइनस एनोड करो, कैथोड पे हमेशा ही क्या होता है आपका, क्या होता है जी, रिडक्शन, एनोड पे आपका क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या लोगे उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जब कैथोड और एनोड का घटा के देख लेंगे, अगर वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो वो रिएक्शन होगी, अगर वैल्यू नेगेटिव आई तो वो रिएक्शन नहीं होगी। क्लैरिफाई हो गए यहां तक। अब इसमें एक और जो चौथे टाइप का आपको सवाल पूछेंगे, वो चौथे टाइप का सवाल आपसे ये पूछेंगे कि सर बताओ कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं यहीं पे इसी रिएक्शन पे बेस्ड एक सॉल्यूशन दे लेता हूं कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मैं क्या डाल रहा हूं, जिंक की रोड डाल रहा हूं, क्या डाल रहा हूं, जिंक की रोड, तो बताओ क्या मैं जिंक से उस कॉपर सल्फेट को हिला सकता हूं, स्टर कर सकता हूं, उसको घुमा सकता हूं उसके अंदर, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं पता, आप यही करोगे कि कॉपर सल्फेट है वो क्या कर देगा, जिंक के साथ रिएक्शन करके ये रिएक्शन बना लेगा, ईएमएफ निकालना है, स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है, वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो ये रिएक्शन होगी, अगर वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो ये रिएक्शन होगी। इसका मतलब ये है कि जिस चीज से आप सॉल्यूशन को हिलाना चाहते हो, मिलाना चाहते हो, मिक्स करना चाहते हो, वो चीज उसके अंदर घुल जाने वाली है, वो इसके अंदर घुल जाएगी, तो इससे हम मिला सकते हैं, नहीं मिला सकते, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, इस टाइप की प्रॉब्लम भी आपको दी हुई मिलेगी। एक पांचवी जो प्रॉब्लम इसमें लास्ट टाइप की जो देखने की, वो भी इसी का ही अंश है, ठीक है, वो क्या है जरा देखो कि जैसे कि ये कह देगा कि क्या जिंक के बर्तन में, ये रिएक्शन थोड़ी सी उल्टी कर देगा, ये क्या कहेगा, कहेगा जी जिंक के बर्तन में क्या मैं कॉपर सल्फेट को स्टोर कर सकता हूं, ठीक है, तो आप वही सेम फार्मूला भी स्टोर कर ही लो एक बार, तो ठीक है, स्टोर करोगे तो इनके बीच में रिएक्शन हो सकती है, अब वेरीफाई कर लो, अगर ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो आप उसके अंदर स्टोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि धीरे धीरे जिंक को क्या कर जाएगा, खा जाएगा, ठीक है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ये भी हम आइडिया किससे लगाएंगे, ईएमएफ से लगाएंगे। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपने ये स्टेप ध्यान में रखने हैं, ठीक है, कि रिडक्शन पोटेंशियल और ये किस कौन कौन सा नेगेटिव होता है, किसको कैसे रिप्रेजेंट।